नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी दुनिया की बात करते हैं, सभी देशों की बात करते हैं और पूरी दुनिया के बारे में भारत का जो दृष्टिकोण है वो सबके सामने रखते हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। G20 का जो मूल मंत्र था वो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ये रखा गया था। और इसको चीन को छोड़ करके वसुधैव कुटुंबकम के जो हमारा सूत्र वाक्य है, इस पर और किसी को परेशानी नहीं थी, ऐतराज नहीं था। आज का जो विषय है वो इस बात को लेकर के है कि जब भारत पूरी दुनिया के सभी देशों के प्रति सद्भावना रखता है, शुभेच्छा रखता है और सबके भले की बात करता है, सबके कल्याण की बात करता है, तब क्या कारण है कि भारत अगर आगे बढ़ रहा है, भारत को अगर एक सक्षम नेतृत्व मिला है, तो बहुत सारे देशों के और बहुत सारी ताकतों के पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है? और ये इसलिए कि मैं केवल कनाडा में जो हुआ है उसकी ओर आपको इंगित नहीं कर रहा हूँ, या ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, अभी स्कॉटलैंड में जो हुआ है ग्लासगो के गुरुद्वारे के पास, मैं केवल उसकी चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ। चीन हो, अमेरिका हो, कुछ दूसरे देश हो, कुछ दूसरी ताकतें हो, उनकी तरफ से जिस तरह के षड्यंत्रों की बू आ रही है, भारत को डिस्टेबलाइज करने के जो षड्यंत्र पर्दे के पीछे से रचे जा रहे हैं, जिनका खुलासा भी हो रहा है, पूरी दुनिया के सामने हो रहा है। पहले तो हमारे जो ज्ञात शत्रु थे वो पाकिस्तान समझे जाते थे या चीन समझे जाते थे, लेकिन बहुत सारे दूसरे देश भी हैं, पश्चिमी ताकतें भी हैं, कुछ ऐसी ताकतें भी बैठी हैं जो हमारे लिए टाइमलाइन तय करती हैं, पेगासस कब सामने आएगा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कब आएगी, BBC की 2 किस्तों में डॉक्यूमेंट्री कब आएगी, बहुत सारी चीजें अब इनके खुलासे होने शुरू हो गए। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बहुत अहम मुद्दा है, इस पर चर्चा करने के लिए उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ विजय सरदाना साहब जुड़ गए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्ते सर। विजय जी, आपने मेरे प्रोग्राम में ही कहा था एक बार कि अभी जरा रुक जाइए, 2024 के लोकसभा चुनाव आने दीजिए, तब तक तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आएंगी। और ऐसा लगता है कि वो चीजें अब एक एक करके सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। ये जो न्यूज क्लिक करके एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, उससे जुड़े हुए लोग जिनके बारे में ये खुलासे हुए कि अमेरिका में बैठा हुआ कोई चीन परस्त उद्यमी, उसके जरिए उसको 10 करोड़, 38 करोड़, 78 करोड़ जितनी भी फिगर आ रही हैं वो मिले हैं, और जो भारत के हित हैं उन पर एक तरीके से प्रहार किया गया है। चीन का जो प्रोपेगेंडा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश हुई है, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए, छवि खराब करने के लिए। और जाहिर है, जब इस तरह की बातें होती हैं तो जो पूंजी निवेश की संभावनाएं बनती हैं वो भी कहीं ना कहीं हिचकती हैं। एक बड़ा षड्यंत्र जिसका खुलासा हुआ। ओंकार जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, बहुत स्वागत, नमस्कार सर। जो आपने मुद्दा उठाया है,
ये कोई दुनिया में नई चीज नहीं है और सोशल मीडिया के जमाने में कोई नई चीज नहीं है। आप अगर इतिहास पे जाएं और चाइना के इतिहास पे जाएं, चाइना ने अपने यहां पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एंट्री दी ही नहीं आज तक। अगर आप चाइना जाते हैं, मैं अक्सर जाता रहा, ना आपको वहां गूगल मिलता है, ना फेसबुक मिलता है, ना ट्विटर मिलता है, आपको कोई भी ऐसा सोशल मीडिया फोरम नहीं मिलता है जो वेस्टर्न ओरिएंटेड हो, अमेरिका या यूरोप ओरिएंटेड। वहां पे अगर आपको कोई मिलेगा तो आपको सारे चाइनीज मिलेंगे, चाइना में डेवलप चाइनीज लैंग्वेज, और उनके सारे सर्वर चाइना में, और उनका इंग्लिश हिंदी वर्जन जो भी नई लैंग्वेजेस वो अडॉप्ट करते हैं वो उसमें है। कारण बहुत सिंपल है सर, चाइना को पहले दिन से ये पता था कि सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है और ये इंफॉर्मेशन सारे सिस्टम्स को बाईपास करके लोगों तक जो जैसा चाहेगा वैसी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकता है। और चाइना क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी डोमिनेटेड सोसाइटी है और वहां पे अक्सर वेस्टर्न वर्ल्ड ये कहते रहे कि चाइना में लोकतंत्र नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, दुनिया भर की बातें वो करते रहे, तो चाइना को ये लगा कि अगर हमने सोशल मीडिया को फ्री हैंड दे दिया तो समस्या ये हो जाएगी कि हमारे यहाँ ये लोग अराजकता फैला देंगे, तो बेहतर है इनको घुसने ही ना दिया जाए, ये चाइना का सोच रहा है। इसीलिए उन्होंने सोशल मीडिया को कभी आने नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि चाइना को पहले दिन से सोशल मीडिया का पावर पता है, तो उन्होंने अपने यहाँ पे सेफ गार्ड्स बिल्ड कर लिए। इसी कमजोरी का फायदा उठा के उन्होंने पूरी दुनिया में अपना जाल फैलाया जिससे वो चाइना के हितों की रक्षा इसी सोशल मीडिया से कर सके। तो न्यूज क्लिक जैसी संस्थाएं, देखिए सर, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके पास स्किल है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, इस बात को हमें समझना होगा। अब जब लोग हैं जिनके पास कला है लिखने की या जो बोल सकते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मौका नहीं मिलता या जिनको डायरेक्शन नहीं मिल पाता, इन लोगों का स्किल खरीदा जा सकता है पैसे देके और उनसे वो सब कराया जा सकता है जो स्पॉन्सर चाहता है। तो जो न्यूज क्लिक है ये एक तरह से वो स्पॉन्सर्ड मीडिया हाउस है जो चाइनीज हितों के लिए काम करता रहा और बदले में उसको पैसे मिलते रहे। ये कोई बहुत पुरानी संस्था नहीं है, 2019 से लेकर 21 के बीच में न्यूज क्लिक को करीब 28 करोड़ रुपए मिले 3 साल, आप समझिए 9 से 10 करोड़ रुपए एवरेज सालाना। अब 9 से 10 करोड़ रुपए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए, उस पर अपने व्यूज रखने के लिए अगर आपको मिल जाते हैं तो क्या बुरा। और यही काम हुआ है और जो न्यूज क्लिक ने किया है वो उस पैसे के लालच में या किसी और एजेंडा के तहत, क्योंकि अगर हम डिटेल में जाएंगे तो उसमें और कई एजेंडा निकल के आ रहे हैं। एजेंडा ये भी निकल के आ रहे हैं कि उनके जो बिजनेस एसोसिएट रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं उनकी कंपनी में, गौतम नौलखा, उनके आतंकवादियों से कनेक्शन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को मिले हैं, आईएसआई से मिले हैं और बाकी जो पाकिस्तान में बेस आतंकवादी ग्रुप है उनसे मिले। Yes. तो ये स्थिति और गंभीर हो जाती। तो ये कई एंगल है सर इस पूरे एपिसोड के। ये बताइए विजय जी के जो आपने अभी बात कही है, चीन ने जो किया सोशल मीडिया मंचों को अपने यहाँ घुसने ही नहीं दिया, ठीक है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत दुनिया की आलोचनाओं समालोचनाओं की चिंता भी करता है, पर क्या हम अपने सोशल मीडिया मंच खड़े नहीं कर सकते हैं, स्थापित नहीं कर सकते हैं, एक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? सब कुछ हो सकता है सर, हमने यूपीआई खड़ा किया, आज पूरा पेमेंट हम डिजिटल पेमेंट, दुनिया का सबसे बड़ा हमने पेमेंट गेटवे खड़ा कर दिया,
जब आप पेमेंट गेटवे खड़ा करते हैं, ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म खड़ा करते हैं, तो आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की सब बातों का ध्यान दिया होगा, एक्यूरेसी का ध्यान होगा, स्पीड का ध्यान होगा, सिस्टम इंटीग्रिटी का ध्यान होगा। तो जब आप एक दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे खड़ा कर सकते हैं, तो SMS या WhatsApp सर्विसेज भेजना कौन सा बड़ी बात है? जब आप पैसा भेज सकते हैं तो बाकी तो इन्फॉर्मेशन ही है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भारत सरकार की एक स्ट्रेटेजिक सोच में कमी रह गई है कि अगर हम अपना प्लेटफॉर्म बना लेते, तो मेरा तो ये कहना है कि मान लीजिए कि हमने WhatsApp के कॉम्पिटिशन में भारत के अंदर एक अपना प्लेटफॉर्म बनाया होता, तो जितना रेवेन्यू आज WhatsApp या Facebook कमा रहे हैं वो भारत की संस्थाएं कमा रही होती, चाहे वो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ही सही, NIC ही सही, या हमारे बाकी जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं वही सही। तो ये सब पॉसिबल था, लेकिन सोच की कमी थी, हमने सोचा नहीं, हमने इस बात को गंभीरता से लिया नहीं, इसलिए हमारा सारा बाजार बाहर के लोग आज हथिया रहे हैं। अभी भी लेट नहीं हुए हैं। जिस दिन भी भारत सरकार चाहेगी, मैं तो दो चीजें कहूंगा, भारत सरकार ने अपने इंटरनल सिस्टम के लिए ई ऑफिस बनाया है, जो ऑफिस सॉफ्टवेयर है, उसको देश की जनता के लिए क्यों नहीं खोल दिया जाता? मुझे तो आज तक वो लॉजिक समझ में नहीं आया। आप सब्सक्रिप्शन ले लो ना, आप कहोगे कि इतना लोड बढ़ जाएगा, हमारे पास सर्वर नहीं है, मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दो ना, ई ऑफिस कॉरपोरेशन करके भारत सरकार, मोदी सरकार चाहे तो एक कॉरपोरेशन खड़ा कर सकती है। पहले साल दो साल आप उसको फंडिंग दे सकते हैं टैक्स पेयर के पैसे से, 1,000-2,000 करोड़ रुपए जो भी चाहिए आप दे दीजिए। 40 लाख करोड़ के आपके बजट में 1,000-2,000 करोड़ कोई मायने नहीं रखता, आप वो बना दीजिए। और देश की जनता को कहिए 100 रुपए महीना सब्सक्रिप्शन फी है, जिस जिसको यूज करना है अपना सब्सक्रिप्शन ले और इस्तेमाल करें, सारा डेटा भारत में रहेगा, उसमें आपको सारी भारत की भाषाएं मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा, प्रॉब्लम क्या है? सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसके पैसे इनिशियल गवर्नमेंट दे दे, फिर आप सब्सक्रिप्शन से एक साल में आपको सारे वसूल हो जाएंगे। क्योंकि 140 करोड़ की आबादी है सर, अगर 10 करोड़ या मैं कहूंगा 1 करोड़ लोग भी अगर उसमें पैसा मतलब कि अकाउंट खोलते हैं 1% भी, तो 1.5 करोड़ हो गए। 1.5 करोड़ लोग भी अगर उसमें अपना अकाउंट खोलते हैं और 100 रुपए महीना भी देना पड़ता है, तो आपके तो जितने पैसे आपने लगाए सारे वापस आ गए एक साल में। तो इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल प्लस आपका एड रेवेन्यू, बाकी बेनिफिट्स, आपके पास सब कुछ है, भारत सरकार क्यों नहीं कर रही? ये अपने आप में बड़ा पजलिंग क्वेश्चन है कि जब हमने आपको दुनिया का सबसे बड़ा IT सुपर पावर बोलते हैं, हम एक ऑफिस सॉफ्टवेयर नहीं जनता के लिए बना सके। सिमिलरली Facebook, सिमिलरली आपका Twitter, सिमिलरली बाकी options, क्योंकि जनता क्रेडिबल सोर्स चाहती है। आज Google के पास वो इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो क्रेडिबल है, पता है कि सर्विसेज डाउन नहीं होंगी। बाकी प्राइवेट कंपनीज के पास जाने में जनता इसलिए डरती है कि पता नहीं ये कंपनियां चलेंगी या नहीं चलेंगी। तो ये सब चीजें हैं, और आज भी भारत में बहुत बड़ा स्कोप है, और मैं तो ये कहूंगा भारत सरकार इसको शुरुआत करे, ऐसी कंपनियों को लिस्ट कर दे और 5-10-15-20% अपनी इक्विटी मार्केट में ऑफलोड कर दें, तो मुझे लगता है ये हर कंपनी अपने आप में 1-1 लाख करोड़ की कंपनी हो जाएंगी, और कोई मुश्किल नहीं। लेकिन विजय जी ये बताइए, विजय जी ये बताइए, जब हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया मंचों के लिए कुछ गाइडलाइंस तय किए और उनको लागू कराने का उन पर प्रेशर बनाया, उसके लिए डेडलाइन घोषित की, मैं प्रेशर बनाना भी नहीं कहूँगा, एक डेडलाइन दे दी कि इस समय तक आपको ये व्यवस्थाएं करनी है। अगर किसी को शिकायत है तो वो कहाँ शिकायत करे, उसके लिए एक व्यवस्था बनाइए, एक अफसर बनाइए, जो भी जितने आपको ज़रूरत है उतना बनाइए, उसको लागू करने में भी तब के ट्विटर के जो CEO थे उनको बड़ी भारी परेशानियां हो गई थी, और उन्होंने दुनिया में भारत को लोकतंत्र को कुचलने वाला देश और तमाम अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन और पता नहीं क्या क्या उन्होंने जो है ड्रामेबाजी की थी।
ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और बाद में लागू भी हुए, आधे अधूरे मन से उन्होंने लागू किया। पर क्या सोशल मीडिया मंचों का भारत के खिलाफ, भारत के भीतर से भी और भारत के बाहर से भी दुरुपयोग हो रहा है, इसको कैसे आप नियंत्रित कर सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से दुरुपयोग हो रहा है, इसमें कोई दो राय है नहीं। आपके जितने भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं या भारत के खिलाफ आतंक, जैसे खालिस्तान का जो ग्रुप है वो प्रचार कर रहा है, वो सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही, उसका आजकल चिट्ठी कौन लिखता है? चिट्ठी तो कोई लिख नहीं रहा, प्रिंटिंग कोई कर नहीं रहा, सब आदमी डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया यूज हो रहा है। तो ये तो बात सही है कि भारत के खिलाफ यूज हो रहा है। अब ये हिम्मत इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत सीधी सी बात है कि भारत ने ना तो अपने यहाँ कोई ऐसे कानून बनाए जिससे वो इसको रिस्ट्रिक्ट कर सके, कारण क्या थे पता नहीं, क्या बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे। और दूसरा, हमने अपनी मार्केट में फ्री रन दे दिए। आप घुसने से पहले ही देखिए, प्रॉब्लम हम लोगों की क्या है कि हम लोग बड़े जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं। अरे ट्विटर आ रहा है हमारे यहाँ पे, फेसबुक आ रहा है, हमारे मंत्री संतरी सब उद्घाटन समारोह में पहुंच जाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि इसके लिए कानून क्या है, गाइडलाइंस क्या है, डूज एंड डोंट्स क्या है। हम वो फोटो खिंचवाना, माला खिलवाने में कि हमारे FDI आ गया, FDI, अरे FDI जाएगा कहाँ? 140 करोड़ के बाजार को छोड़ के FDI जाने वाला कहाँ है? आपको ये अपने पे भरोसा क्यों नहीं है? खैर, दे रहा है दुरुस्त है, मैं तो कह रहा हूं आप अभी भी कर लीजिए, गाइडलाइन इशू कर दीजिए, आप 1 जनवरी से आपको लागू करनी है, नहीं करनी आप अपने अपने सर्वर बंद करिए और चले जाइए, और पैरेलली भारत सरकार को ट्विटर के जैसा ही एक सर्वर तैयार कर देना चाहिए। लोग अगर कहेंगे कि साहब ट्विटर बंद हो गया तो हम क्या करेंगे, माइग्रेट, जिसको माइग्रेट करना है करे, आपके पास 3 महीने हैं, आप अपने अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर लीजिए, अपने आप ये सब लाइन पे आ जाएंगे। तो तरीका है, आप अगर प्लानिंग नहीं करेंगे, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं करेंगे, जनता को अल्टरनेट नहीं देंगे और फिर आप दबाव में आएंगे और कहेंगे जी हमारा सोशल मीडिया और ट्विटर सुन नहीं रहा है, ये तो मूर्खता आपकी, कि बाजार आपका और सामने वाला दादागिरी कोई और कर रहा है। मतलब बाजार मेरा 140 करोड़ का और एक आयरलैंड में बैठा हुआ देश जिसकी आबादी मुश्किल से 10 मिलियन नहीं है, 1 करोड़ भी नहीं है, वो हमें दादागिरी करके बता रहा है कि हम चले जाएंगे। अरे जाओ ना भाई, कहां जाओगे, घूम के यहीं आओगे, कहीं ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो हम लोग खुद अपनी कमजोरी दुनिया के सामने रखते हैं, अपने आप को हताश प्रस्तुत करते हैं, इतना डेस्परेट बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम मर जाएंगे हमारे देश का क्या होगा। अरे यार, आप करो तो सही, दुनिया बहुत बड़ी है, घूम फिर के यहीं आएगी, कहीं नहीं जाने। आपने सही कहा है विजय जी, इनका दुरुपयोग हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। अगले स्टेप पर आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। खुला दुरुपयोग हो रहा है, एजेंडे चलाए जा रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है कौन कौन एजेंडा चला रहा है, उनके पीछे की ताकतें कौन हैं वो भी अब समझ में आ रही है, उनके चेहरों से भी अब नकाब उतर रहा है, जांच हो रही है, छापे पड़ रहे हैं, चीजें जब्त हो रही हैं, धरे भी जा रहे हैं लोग। सवाल ये है कि इस तरह के जो लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, जो मंच हैं, जो मीडिया हाउस हैं, जो शायद अति लोकतंत्र के चलते अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कुछ ज्यादा ही बेजा दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे मीडिया हाउसेस के लिए, मीडिया मंचों के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए या किसी के हाथों में खेलने वालों के लिए, इनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इनके लिए किस तरह के कानून बनाए जाने की जरूरत है? हो हल्ला तो होगा, लोकतंत्र की हत्या भी बताई जाएगी, लेकिन किसी को क्या इतनी छूट दी जा सकती है कि वो प्रोपेगेंडा खड़ा करे, अपना एजेंडा चलाए, किसी के इशारे पर भारत को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश करे? सर वो देखिए मुश्किल नहीं है। इस समय अगर आप देखें तो यूनेस्को ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं,
आप यूरोपियन यूनियन के देशों को उठा के देख लीजिए, सब जगह गाइडलाइंस हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट कहीं नहीं है, रिस्ट्रिक्शन सब जगह है। नेशनल इंटीग्रिटी, लॉ एंड ऑर्डर, रेसिज्म, यू नो, हर्टिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, डिफेमेशन, इन सब की रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं इसलिए थोड़ी कहीं पे भी ओंकार जी को बदनाम करना शुरू कर दूंगा या उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दूंगा पब्लिकली, ये पॉसिबल नहीं है। एक मर्यादा होती है समाज में। आपकी एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के राइट्स को कुचलोगे। आपके राइट का मतलब ये है कि आप दूसरों के जो अधिकार है उनको ज्यादा सम्मान दोगे, रेस्पेक्ट दोगे, तब आपको राइट मिलता है। आप दूसरों के राइट कुचलोगे, कहोगे मेरे राइट का हनन हो रहा है, ऐसा नहीं होता। पहले आप दूसरों के राइट्स का रखवाली करिए, आपको अपने आप आपके राइट्स मिल जाएंगे। ये सिंपल गिव एंड टेक का गेम है। हर दुनिया के हर डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन राइट है, लेकिन विद रिस्ट्रिक्शंस। और जो मैंने बताया कि ये मेन बिंदु है जिसको लेकर रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर भारत सरकार बहुत क्लियरली बोल दे कि सोशल मीडिया में दुरुपयोग अगर होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। और प्रॉब्लम हम लोगों के साथ क्या है ना सर, कि हम लोग प्लानिंग नहीं करते, हम लोग हर चीज हैफजेड में करते हैं। जब आग लग जाती है तब हम फायर ब्रिगेड ढूंढने जाते हैं। हम लोगों की प्रॉब्लम बड़ी विचित्र है। वी आर ऑलवेज यू नो रिएक्टिव सोसाइटी, वी आर नेवर प्रोएक्टिव। तो समस्या ये हो जाती है इस पूरे प्रोसेस को लेके कि आप डूज एंड डोंट्स की गाइडलाइन लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल भाई, न्यूज किसको बोलोगे आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, आप न्यूज चला रहे हैं या न्यूज एनालिसिस कर रहे हैं, करिए, पूरा अधिकार है आपका। लेकिन न्यूज एनालिसिस करते समय मिसलीडिंग फिक्टिशियस क्लेम नहीं होने चाहिए। जो भी आप एनालिसिस करें, जो भी स्टेटमेंट दें, दैट शुड बी वेरीफाइबल कि हाँ मैंने पढ़ा था कि भाई पंजाब के अंदर न्यूज ये है कि पंजाब में खेती कम हो रही है क्योंकि वाटर टेबल नीचे जा रही है। हाँ, आप दो फैक्ट्स को कोरिलेट करके न्यूज एनालिसिस कर सकते हैं, चार फैक्ट्स को कोरिलेट कर लीजिए, ये फैक्ट आपका ही आपकी काबिलियत है। लेकिन अगर कोई ये बोले कि देखिए सर, भारत ने जाके चाइना में एटम बम फोड़ दिया जस्ट फॉर द न्यूज सेक, दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड। जैसे आज की तारीख में बात चल रही है कि रॉ ने जाके पाकिस्तान कनाडा में आतंकवादी को ठोक दिया, प्रूफ है किसी के पास? नहीं है, लेकिन स्टोरीज बन गई। भारत के लिए प्रॉब्लम, देश के लिए एम्बेरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी गई। तो कहने का मतलब यह है सर कि ये सब चीजें अगर वेरीफाइबल फैक्ट्स नहीं है तो ये सोशल मीडिया पे इस तरह से देश को टारगेट करके या देश के बिहाफ पे कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हाँ, आप पर्सनल असेसमेंट कर सकते हो कि मेरा अनुमान ये है, लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है, डिस्क्लेमर दे दीजिए साथ में, तो सामने वाला भी विद पिंच ऑफ सॉल्ट लेगा उस इंफॉर्मेशन को। लेकिन आप जाके सोशल मीडिया पे देखिए किस तरह से क्या क्या लोग कह के क्या क्या वीडियोस बनाते हैं, ना टाइटल का कोई लेना देना है, ना वीडियो का कोई लेना देना, ना कोई रिसर्च है, ना कोई एनालिसिस है, कुछ भी चलता है। क्योंकि एक कैमरा एक माइक है, आप जिसको जितना बौद्धिक आतंकवाद फैलाना है फैलाए, ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र हित में जरूरी है। और इसमें सबको अधिकार है अपने एनालिसिस करके सीरियस वे में बात रखने का। इससे देश में उनकी इज्जत भी बनेगी, समाज को भी सही जानकारी मिलेगी, और कोई भी कंफ्लिक्ट या मिसलीडिंग कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स नहीं आएंगे। ये तो होना ही चाहिए। और जिस तरह से अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, और जिस तरह के इनके अगर आप न्यूज क्लिक की वेबसाइट पे जाके आप आर्टिकल देखें, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट, एंटी मोदी, जिस तरह की स्टोरीज उन्होंने वहां पे डंप की हैं, उससे तो साफ लगता है कि इन्होंने शायद होमवर्क किया ही नहीं, और किसी का इनके पास प्रूफ नहीं है। और अगर प्रूफ नहीं है और आप कह रहे हो भारत सरकार ने ये कर दिया, जैसे उदाहरण के लिए अडानी का केस ले लीजिए, मोदी ने अडानी को यू नो इतनी सारी ये करवा दिया, वो करवा दिया, है प्रूफ कहीं? तो अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, आप क्यों उठा रहे हैं सवाल? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं एक पर्सनल वेंडेटा या टारगेटिंग कर रहे हैं। क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस काम में होना चाहिए? और अगर आपके पास प्रूफ है तो आप कोर्ट में जाइए ना, घसीट के लाइए जो लोग गलत कर रहे हैं उनको। तो ऑप्शन समाज में है, लेकिन वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। और हमारे यहाँ का जो विपक्ष है
मैं सत्ता पक्ष को बचाने के लिए ये नहीं कह रहा हूं कि वो बहुत जिम्मेदार है और वो किसी तरह के गलत एलिगेशन विपक्ष पर नहीं लगाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में खड़े होकर के मणिपुर पर चर्चा करते हुए, भाषण देते हुए प्रधानमंत्री को देशद्रोही बता देना, भारत माता की हत्या आप लोगों ने मणिपुर में कर दी, इस तरह के बयान देना, विदेशी दौरों के समय ये कहना कि हमारे यहाँ लोकतंत्र खतरे के कगार पर खड़ा हो गया है, हमारे यहाँ मीडिया फ्री नहीं है, हमारे यहाँ जुडिशियरी को काम नहीं करने दिया जा रहा, या वो फ्रीली काम नहीं कर रही है, हमको पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया जा रहा, और ये पश्चिम के देश जो लोकतंत्र के पुरोधा हैं वो भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं करते, या ये कहना कि चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली है, इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं राजनीतिक फायदे उठाने के लिए, क्या इन पर जवाबदेही जिम्मेदारी तय नहीं की जानी चाहिए? कड़े कानून नहीं बनने चाहिए कि आप अगर केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए देश के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करते हैं, ये समझ के कि जो मौजूदा प्रधानमंत्री है उनकी छवि खराब हो जाएगी और हमको आगामी चुनाव में कुछ फायदा मिल जाएगा, ये इतनी फ्रीडम क्या ठीक है किसी के लिए भी? सर, ये बात तो राजीव गांधी जी ने एक बार कही थी, मेरे ख्याल से अमेरिका के ट्रिप पे। उन्होंने कहा था कि जितनी आजादी भारत में है जर्नलिस्ट को, उतनी शायद अमेरिका में भी नहीं है। मुझे ध्यान है उनका एक स्टेटमेंट ऐसा कुछ था। उन्होंने कहा था कि यहाँ तो आदमी कोई कुछ भी, किसी के बारे में कुछ भी लिख सकता है, कोई मर्यादा का ध्यान भी नहीं रखा जाता। ये तो राजीव गांधी ने कहा था। आज अगर उनके बेटे उसी रास्ते पर है तो नई बात क्या है? और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हिंदुस्तान में जो अपोजिशन है, आज तक वो ये बात समझ नहीं पाया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वर्सेस मोदी वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट, ये तीन अलग चीजें हैं। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल, जिसे कहते हैं हेट्रेड के चक्कर में, मोदी के साहब के साथ जो उनका, मेरे को कहते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए कि उनकी जो भाषा है वो ऐसा लगता है कि वो मोदी जी से नफरत करते हैं। और जब वो नफरत कर रहे हैं तो उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये मोदी साहब देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। इतनी तो गरिमा किसी को भी रखनी चाहिए। अब ये संस्कार की बात, अब जैसे संस्कार हैं वैसे लोग काम करेंगे। अब अगर उनको लगता है कि नहीं, हमें संसद के अंदर, संसद के बाहर, देश के अंदर, देश के बाहर जाके सिर्फ देश को गाली ही देनी है। जब इंदिरा गांधी से पूछा गया था कि भाई व्हाट यू हैव टू से अबाउट मोरारजी देसाई, आपके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करी है, तो उन्होंने कहा दीज आर इंटरनल मैटर्स, आई विल नॉट स्पीक आउटसाइड इंडिया। तो इतनी सेंसिटिविटी, इतनी मेच्योरिटी पॉलिटिकल लीडरशिप में थी, अब वो नहीं रही। तो जब नहीं रही तो क्या करेगा आदमी? तो वही करेगा जो हो रहा है। तो जो संसद में या संसद के बाहर जो जिस असंसदीय भाषा का इस्तेमाल होता है, तो ये तो सर जो बोलता है उसकी संस्कृति है, उसके संस्कार हैं, उसकी कैपेबिलिटी है, उसकी अपनी एजुकेशन है। इसमें हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि हाँ, जो गलत बात है वो गलत है, निंदनीय है। भारत के प्रधानमंत्री का अपनी एक रेस्पेक्ट होनी चाहिए, आप उनकी बातों से सहमत हो या ना हो, लेकिन जिस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उचित नहीं है। अगर आपको इतनी फ्रस्ट्रेशन है और आपके पास शब्दों की कमी है, तो इसका मतलब आप अपने ज्ञान का स्तर बढ़ाइए, और तो कोई रास्ता हो नहीं सकता। तो जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, निंदनीय है, नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, ये भी हकीकत है। ये बताइए, ये चीन पाकिस्तान कुछ ताकतें वो तो सबके सामने रही हैं, अमेरिका जो हमारा अभी नया नया मित्र बना है और जो ये दावे करता है जब भी मोदी और जो बाइडेन मिलते हैं, या इनसे पहले जब ट्रंप साहब थे तब भी इसी तरह के दावे अमेरिका की तरफ से होते थे कि ये अब हिमालय की तरह मजबूत रिश्ते हैं दोनों देशों के बीच में, समझ बूझ है और कई क्षेत्रों में एक दूसरे के सहयोगी हैं, क्वाड जो है
उसको उसकी भी दुहाई दी जाती है। तमाम अलग अलग क्षेत्रों के जो कोऑपरेशन है उनकी बातें होती हैं। लेकिन हाल में जो कनाडा में घटना हुई आतंकवादी निज्जर की, और उसके बाद जो प्रोपेगेंडा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत के खिलाफ किया, जिस तरह की बयानबाजी अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर के की, उसके बाद जो खुलासे हुए हैं विजय जी के साहब, जो फाइव आईज हैं जिनमें अमेरिका भी शामिल है, और यहाँ तक कहा गया है कि अमेरिका ने ही जाकर के कनाडा को कोई इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन दी भारत के बारे में कि रॉ की या किसी दूसरी एजेंसी का कोई इसमें हाथ है, तो ये हमारे दोस्त हैं, हमारे दुश्मन हैं, और क्या हमें अतिरिक्त सतर्क नहीं हो जाना चाहिए कि G20 का सफल आयोजन, ऐसे बहुत सारे काम, चाहे हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हो और भी कई गिनाए जा सकते हैं, पर इससे और जो ग्लोबल रेटिंग आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 76% की, उनके आसपास भी कोई दूसरा नेता नहीं है, इससे परेशानियां हो रही हैं क्या उनको भी जो हमारे मित्र होने का दावा करते हैं? बिल्कुल हो रही है सर। देखिए सर, आप इस बात को समझिए, मैंने एक वीडियो बनाया है इस पर पूरा, कि किस तरह से विदेशी जो ताकतें हैं वो बड़ी असहज हैं। आप इस बात को समझिए सर, 2-3 घटनाएं लगातार हो गई। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रही कि आपने चंद्रयान उतार दिया, पूरी दुनिया में उसकी वाहवाही हो रही थी, फिर उसके 2 हफ्ते बाद आपने G20 एक शानदार तरीके से कर दिया, फिर लोगों ने लगा कि यार ये तो भारत की और बढ़िया बात हो गई। अब सारी चीजें होने के बाद अब पूरी दुनिया में जब भारत की चर्चा हो तो वेस्टर्न पावर्स ये कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि यार हम मार्जिनलाइज हो गए। और यहां पे सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि जब ये सब हो रहा था और वहां से अटेंशन हटाना था, तो आपने तुरंत कनाडा में स्टेटमेंट करवा दिया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि देखिए ये तो सब गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। तो पूरा अटेंशन G20 से हटके, चंद्रयान से हटके अब आ गया है खालिस्तान को लेकर। ये डाइवर्जन टेक्निक है। अब जो क्रेडिट आपको मिलना था वर्ल्ड में, वो उस पर आपने कोशिश करी है कि ब्रेक कैसे लगे। तो ये तो सर एक होना था, इसमें तो कोई विचित्र बात मुझे दिख नहीं रही। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी देश है उसका सबसे पहले इंटरेस्ट है उसका अपना नेशनल इंटरेस्ट। भारत से वो दोस्ती तब तक रखेंगे जब तक उनका अपना स्वार्थ है। अफगानिस्तान में देख लीजिए, आपने पूरा भारत को इन्वॉल्व किया इन्वेस्टमेंट्स के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, दुनिया भर की चीजों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और अचानक बगैर बताए रातों रात आप वहां से वाइंड अप करके चले गए। अफगानिस्तान से अमेरिकन फौजें कैसे निकली थी? ओवरनाइट, ना भारत से डिस्कस हुआ ना कुछ हुआ। इसी तरह से आप जितनी भी चीजें हो रही हैं दुनिया में, आप भारत से क्यों डिस्कस करेंगे? आपका अपना स्वार्थ है। तो जब पूरी दुनिया स्वार्थ पे चल रही है तो हम लोग इतना क्यों लालायित हो जाते हैं कि भाई अमेरिका ने बोल दिया। देखिए हमने पहले धोखा खा लिया ना, हिंदी चीनी भाई भाई करके हम क्या करें, हमने हिंदी चीनी भाई भाई के आउटपुट क्या निकला? कम से कम अमेरिका हिंदी भाई भाई तो नहीं बोल रहे ना, हम तो हिंदी चीनी भाई भाई बोल रहे थे और मिला क्या? लाहौर बस यात्रा के बाद क्या मिला? कारगिल। हिंदी चीनी भाई भाई क्या क्या मिला आपको? आपके पास चीन का आक्रमण। तो ये सब चीजें सर टेम्परेरी हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर आज आप में क्षमता होगी तो अमेरिका आपसे वैसे भी दोस्ती रखे। अमेरिका कितना भी चिल्ला ले चीन पे, हिम्मत नहीं है वहां से अमेरिकन कंपनीज को ये कहना कि तुम वाइंड अप कर लो। तो कहने का मतलब ये है सर कि दुनिया जैसे कहते हैं ना कि कुर्सी को सलाम करती है या ताकत को सलाम करती है, आप ताकतवर बनिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामरिक रूप से, दुनिया आपके आगे झुकेगी। कौन रोकता है सर? उगते सूरज को हर आदमी सलाम करता है।
और अगर भारत का सूर्य उदय हो रहा है तो दुनिया सलाम करेगी, बस हमें यह देखना है कि हम अपनी तरफ से गलतियां ना करें। और अगर हम घरेलू बात करें, अब 5 राज्यों के चुनाव हैं विजय जी, उसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैसी आदत है, अनथक प्रयासों में लगे रहते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके विरोधी अक्सर पचा नहीं पाते हैं, और वो कई रूपों में सामने आने लगती हैं। लाल किला से उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, इन तीनों चीज़ों को जड़ से ख़त्म करना है और पूरे देश का मुझे साथ चाहिए। आज उन्होंने कहा कि जातिवाद से भी निपटना है, इसको भी ख़त्म करना है, इसके लिए भी आप लोग साथ आइए। जिस तरीके से ये जातिवाद का कार्ड चला गया है, ये देश का भला करेगा या देश को और बांटेगा और गहराई में लेकर के जाएगा? कोई इनसे ये नहीं पूछता कि बिहार में 32-33 साल से लालू और नीतीश का ही राज है, कितने लोगों को रोजगार आपने दिया, कितना पलायन रोका, कितना कानून व्यवस्था बेहतर की, और जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको कितना आपने एड्रेस किया। फिर जातिवाद की तरफ बिहार को भी लेकर के जा रहे हैं और पूरे देश को लेकर के जाना चाहते हैं, और राहुल गांधी भी उनके सुर में सुर मिलाना शुरू कर चुके हैं। सर, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों ने बहुत अच्छी तरह से हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस को सिखा दी। ये ज्यादातर जो हमारे पॉलिटिशियंस है ये बीए पास होते हैं, इतिहास समझते हैं राजनीति के, ये जहां पे भी तिकड़मबाजी राजनीति की आती है वो सीखने में बहुत तेज है। डिवाइड एंड रूल इनको पता है कि जब मुट्ठी भर अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर सकते हैं इस पॉलिसी के कारण, तो हम तो इस देश के ही है ना, तो हम तो और अच्छी तरह से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने का तरीका क्या है? डिवाइड करने का तरीका ये है कि आप कास्ट बेस्ड सेंसस कराइए। आपने इकोनॉमिक आधार पे सेंसस क्यों नहीं कराया कि गरीब कितने हैं, मध्यम वर्ग कितना है, उच्च वर्ग कितना है? अगर आपको डेवलपमेंट की बात थी तो आपको इकोनॉमिक आधार पे सेंसस कराने चाहिए थे, लेकिन इससे नियत पता लगती है कि आपका एजेंडा डेवलपमेंट नहीं है। आपका नियत है कि हम समाज में तोड़ें कि कौन कितनी जाति का है, कितनों को हम अपने साथ मिला लें और कितनों को हम किसी और के हवाले कर दें, और ये डिवाइड एंड रूल चलता रहे। तो ये बात तो सर राजनीति की दृष्टि से सही है कि हमारे राजनेता आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे कि उनकी कुर्सी बची रहे, चाहे उसके लिए देश बर्बाद हो जाए। ये तो उनकी सोच है, इसमें कोई नई बात नहीं। जनता नहीं समझती या जनता इमोशनल होकर गलत डिसीजन लेती है तो जनता की गलती है, पॉलिटिशियन की गलती नहीं है। उनको तो पता है उनको क्या करना है, हम लोगों को मूर्ख बनाना है, वोट लेने हैं, और वो अपने काम में सफल हो रहे हैं। हम उनको दोष नहीं दे सकते, गलती हमारी है, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी बार बार एक चीज कह रहे हैं आजकल की, देखिए 90 में से 3 ही सेक्रेटरी हैं जो ओबीसी के, तो ओबीसी के या हो या बाहर के हो, ये सेक्रेटरी कोई डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मार्केट से इंटरव्यू करके नहीं होता है। जो आईएएस ऑफिसर्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिसर्स 30-30, 35-35 साल अपना करियर पूरा कर लेते हैं, वो सेक्रेटरी के लेवल पे आके मैच्योर होके उनको सेक्रेटरी पोजीशन मिलती है। तो राहुल गांधी जी ये बताएं कि 30 साल पहले आपने रिक्रूट, अपने जो अपॉइंटमेंट किए थे, सिलेक्शन किए थे, उसमें कितने ओबीसी थे? कांग्रेस की सरकार ने आईएएस ऑफिसर की एंट्रेंस के समय कितने कम ओबीसी क्यों किए थे कि ताकि वो सेक्रेटरी बन ना पाए? तो राहुल गांधी साहब को खुद जवाब देना चाहिए, मोदी साहब आपको नहीं पूछा जाएगा। मोदी साहब किसी आज 5 साल पुराने आईएएस ऑफिसर को सेक्रेटरी नहीं बना सकते। तो ये बात तो हमें समझनी होगी, और ये राहुल गांधी को जवाब देना है कि आपने जो रिक्रूटमेंट किए थे उसमें कितने ओबीसी थे, वो डेटा मोदी को लागू कर, मतलब कि रिलीज करना चाहिए, चीजें सामने आ जाएंगी। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओसीएन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच।
नमस्कार, नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम।